लैपटॉप लेना है 40,000 के अंदर अंदर। अगर आप यहाँ पर लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं वो भी 40,000 के अंदर, तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यहाँ पर पांच ऐसे टॉप फाइव लैपटॉप्स बताऊंगा जो यहाँ पर आप परचेस कर सकते हो। बेसिकली आप लैपटॉप लोगे तो आपकी क्या कन्फिग्रेशन रहेगी, 4 GB 8 GB रैम रहे, यहाँ पर हार्ड डिस्क रहे 1 TB की, या फिर SSD रहे 512 GB की। यहाँ पर आपको चलो एक तरह से इंटेल का जो प्रोसेसर होता है वो मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर सोचते हो कि इंटेल का i5 भी मिल रहा है। हाँ मिल रहा होगा 40,000 के अंदर, लेकिन वो ओल्ड जनरेशन होगा, 7th जनरेशन 6th जनरेशन या ऐसे होगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर जो 7th जनरेशन i5 या फिर i3 का 10th जनरेशन लेटेस्ट वाला वो ले लोगे, दोनों कंपेरिजन दोनों की परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगी। तो मैं यहाँ पर आपको i3 10th जनरेशन रिकमेंड करूंगा। तो आप यहाँ पर इसी तरह से देख सकते हो, जो यहाँ पर नंबर 5 पर आता है हमारा वो यहाँ पर एसर की तरफ से एस्पायर 5, जहाँ पर आप देख सकते हो i3 10th जनरेशन है, 4 GB की रैम है, 14 इंच की डिस्प्ले है, 512 GB की SSD है, और आपको यहाँ पर इसकी प्राइस देखने को मिलेगी 37,990 रुपये, जो आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो जाकर के। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लैपटॉप्स के लिंक दिए गए, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। और यहाँ पर ये तो हो गया पांचवें नंबर का। अब चौथे नंबर पर आता है हमारा आसूस का, देख सकते हो यहाँ पर आपको X509JA, इसका नाम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, 4 GB की रैम है, 1 TB की SSD है, कोर i3 का 10th जनरेशन है, और यहाँ पर इसकी भी प्राइस 37,999 रुपये है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि मेरे को SSD चाहिए तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाले की तरफ जा सकते हो, एसर का एस्पायर 5 वाला। अगर आपको SSD चाहिए तो आप इसमें जा सकते हो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और जो तीसरे नंबर पे आता है वो यहाँ पर HP की तरफ से 14S+LTE। LTE का क्या फायदा है, आपके पास यहाँ पर कभी नेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, हॉटस्पॉट नहीं है, ये नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लैपटॉप में भी सिम लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे यहाँ पर HP के 14S में, जहां पर आप सिम लगा के अपने नेट को कनेक्ट कर सकते हो। जहां पर आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, 14 इंच की FSD+ डिस्प्ले है, 4 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, कोर i3 का 10th जनरेशन है, और इसकी प्राइस है 38,990 रुपये। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप बनता है इसी बजट के हिसाब से। और नंबर 2 पर आता है दोस्तों यहाँ पर अविटा का है। वैसे तो मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर लिस्ट में कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यही करता है। अविटा का लाइबर है V14, जहाँ पर आपको 14 इंच की डिस्प्ले है, 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, और राइजन 5 का प्रोसेसर है, और इसकी भी प्राइस आपको 38,990 की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अविटा का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ पर अविटा इतना अच्छा नहीं लगता। तो आसूस, एसर, लिनोवो, इन सब में आप यहाँ पर जा सकते हो, HP है, डेल है, बहुत सारी कंपनीज है, आप उनमें भी जा सकते हो। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अब नंबर 1 की लैपटॉप की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर लिनोवो की तरफ से आइडियापेस S145, जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 15.6 इंचेस की FSD+ डिस्प्ले है, 8 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, राइजन 5 है। तो दोस्तों आपकी प्राइस इसमें जो इस लैपटॉप की प्राइस है वो यहाँ पर 38,990 रुपये। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हो लैपटॉप, तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि जो नंबर 1 वाला है लिनोवो का आइडियापैड S145, ये ले सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करने के बाद 8 GB की रैम है, 1 TB की SSD HDD है, लेकिन यहाँ पर SSD होता तो काफ़ी अच्छा होता, रेजन 5 का है। वैसे यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। अगर मैंने यहाँ पर आपको लगता है कि रैंकिंग सही नहीं की, आपको लगता है कि पांचवें नंबर पर किसी और को होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पर किसी और को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। हो सकता है मेरे हिसाब से गलत हो, यहाँ पर आपके हिसाब से सही हो, आप कौन सी रैंकिंग करना चाहते हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देगा। मुझे यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें, स्पेसिफिकेशन, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, यहाँ पर जो कैमरा की क्वालिटी होती है, यहाँ पर रैम होती है, या फिर कहूँ मैं यहाँ पर SSD HDD होती है, उन सबको कंपेयर करने के बाद मुझे यहाँ पर नंबर 1 पर जो रखना चाहिए था मुझे लगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।